इट्स टाइम टू व्यू बॉलीवुड की टॉप न्यूज। शाहरुख, सलमान और आमिर खान आएंगे एक साथ एक स्टेज पर और इन सुपरस्टार्स को एक साथ एक स्टेज पर लाने का काम कर रहे हैं पीएम मोदी। खबर है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने एसआरके, सलमान और आमिर को स्पेशल इनवाइट भेजा है फॉर सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन वॉर में खुलकर सामने आए अध्ययन सुमन। उन्होंने कहा कि ऋतिक जिस स्टेज से गुजर रहे हैं वो समझ सकते हैं। अध्ययन की माने तो जब कंगना उनके साथ थी, उन्हें और उनके पापा शेखर सुमन सहित उनके पूरे परिवार को कंगना ने खूब मैनिपुलेट किया था। जैकलिन और सुशांत आर रेडी फॉर एक्शन ड्रामा। करण जौहर एंड सलमान खान आर टीमिंग अप फॉर तरुण मनसुखानीज अपकमिंग एक्शन ड्रामा और इसके लिए सुशांत सिंह राजपूत और जैकलिन फर्नांडिस को फाइनल कर लिया गया है। इस एक्शन ड्रामा को बेहद बड़े स्केल पर बनाया जाएगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हाल ही में कटरीना कैफ के साथ अपनी फिल्म बार बार देखो कंप्लीट कर ली है। अब सिद्धार्थ चाहते हैं कि उनकी जोड़ी दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा के साथ भी बने। सिद्धार्थ कहते हैं, आई एम प्रीटी मच डन विद यंगर हीरोइंस, नाउ आई वुड लाइक टू वर्क विद दीपिका ऑफ कोर्स एंड अनुष्का शर्मा। आलिया भट्ट, वरुण धवन एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा फिर एक साथ, वो भी मेंटोर करण जौहर के लिए। करण अपने इन स्टूडेंट्स के साथ यूएस के कई सिटीज में एक म्यूजिकल टूर करने वाले हैं। इस म्यूजिकल टूर के प्रोग्राम में करण विल बी होस्टिंग द शो और वरुण, सिद्धार्थ, आलिया स्टूडेंट ऑफ द ईयर के गानों सहित कई और गानों पर परफॉर्म करेंगे। रणबीर कपूर का बुरा हाल। इन दिनों रणबीर की लाइफ, करियर और रिलेशनशिप स्टेटस में कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसे में रणबीर के लिए एक और बुरी खबर ये है कि उनकी मोस्ट एम्बिशियस सुपर हीरो फिल्म, जिसे उनके बेस्ट फ्रेंड अयान मुखर्जी बनाने वाले थे, वो फिल्म अब बंद कर दी गई है। संजय लीला भंसाली बनाएंगे साउथ की सुपरहिट फिल्म एसएस राजामौली की मगधीरा का हिंदी वर्जन। मगधीरा एक लैविश एपिक ड्रामा है और खबर है कि हिंदी में मगधीरा बनाने का बजट अप्रोक्सीमेटली 120 करोड़ हो सकता है और ये तय किया गया बजट संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तानी से अधिक है। शाहरुख खान फिलहाल रईस की शूटिंग कंप्लीट करने में लगे हैं और इसके बाद अपने घुटने के दर्द से परेशान शाहरुख जून तक कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन आफ्टर जून एसआरके, इम्तियाज अली और आनंद एल राय की फिल्मों में से इम्तियाज अली की फिल्म की शूटिंग सबसे पहले करेंगे। खबर है कि इस फिल्म में शाहरुख खान एक बार फिर अनुष्का शर्मा के साथ रोमांस करते नजर आएंगे। यस्टरडे एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी और उनके हस्बैंड विकी गोस्वामी पर मुंबई पुलिस की कड़ी नजर। मुंबई के ठाणे से पकड़ी गई नशे की खेप का लिंक केनिया से भी मिला है। जांच में पता चला है कि पकड़े गए नशे के बिजनेसमैन केनिया में ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से भी कई बार मिले थे। 2014 में केनिया में गिरफ्तार हुए विकी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू माई बॉलीवुड।